तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो राम राम जी, कैसे हैं मेरे सारे भाई? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। वेल गाइस, देखो हमने इस गाड़ी को बाहर से रेंज रोवर बना दिया है, और मतलब अंदर से भी अब आपको जैसे इंटीरियर लग रहा है, कहीं मेरे भाइयों को सही लग रहा हो, कहीं को नहीं लग रहा होगा। गाड़ी में चला रहा हूँ 10 की स्पीड पे, घर से बाहर बस निकला हूँ, सीट बेल्ट में लगा लूँगा मुझे याद है। एक्चुअल में ना फोन में बैटरी नहीं है, उस चक्कर में मैं जो है चार्जिंग कर रहा हूँ, तो वो बीच में आ रहा है बार बार, जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कर लूँगा, आवाज़ थोड़ी आज ख़राब है। खैर गाइस, हमने अपनी गाड़ी को बाहर से तो बना लिया जितना बनाना था, और मतलब धीरे धीरे हो रहा है, बट एक छोटा सा ऐसा लग्जरी जो फीचर है मेरे हिसाब से 1600 रुपये से लेके 1000 रुपये के आसपास होगा, देखो सोर्स करते हैं हम लोग जैसे मिला, उससे क्या रहता है बहुत ही बढ़िया फीचर है। मतलब आपको मैं दिखाऊंगा, मज़ा आ जाएगा, आप लोग भी अपनी गाड़ी में कराइएगा, बहुत हैंडी रहेगा ये, ठीक है? तो आपको मज़ा आएगा। तो एक बार चलता हूँ वहाँ पे आसपास ही, इंस्टॉल करवाता हूँ अपनी गाड़ी में। हाइड्रोलिक्स है बेसिकली, कहाँ पे इंस्टॉल होंगे, क्या कुछ होंगे, आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें, जितनी भी कॉस्टिंग आएगी सारी बताऊंगा। और भिवानी में आया हुआ था, तो मैं छोटे मोटे कंटेंट जो है ना सोचता भी रहता हूँ पूरे दिन पड़े पड़े, और ये भी रहता है कि क्या कुछ बनाऊं। एक ना मेरा मन कर रहा है कि साइड के जो डोर हैंडल्स हैं उन्हें ब्लैक करवा लूं, पियानो ब्लैक में, तो लिख के बताइएगा सही लगेंगे नहीं लगेंगे। छोटा सा मन में डाउट इसलिए भी है कि यार उसके लिए ना पूरा खोलना पड़ता है अपना जो दरवाजे हैं, डैम्पिंग वैम्पिंग, तो वो मेरे को पर्सनली ना ऐसे थोड़ा सा हो रही है, बट आप लोग बोलोगे कि करवा लो भाई, तो वी विल सी दैट, ठीक है? तो चलो अभी एक बार भाग के हम लोग चलते हैं स्टार पे, जहाँ पे आपने अपनी गाड़ी का मोस्टली काम देखा होगा, उसके बाद जो है इंस्टॉलेशन के बाद मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअल में उसका क्या काम है और कैसे कुछ होती है, ठीक है? ना एक बार हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसके जो बोनट है उसमें हाइड्रोलिक्स लग पाएंगे नहीं लग पाएंगे, और वहाँ पे वो सिद्धू की गाड़ी खड़ी है दूसरी, उसी में से हाइड्रोलिक निकाल रहे हैं। अब देखो मेरे को ना वेल्डिंग वोल्डिंग तो करानी नहीं, मेरे को सिंपल ये चाहिए कि नट वाला सिस्टम अगर हो जाए ना, मान लो कि इधर एक नट लग के और फिर ऊपर एक नट हो जाए, तो फिर उससे रहेगा कि गाड़ी में वेल्डिंग भी चाहिए मेरे को बेसिकली, वो भी इंजन वाले एरिया में, क्योंकि देखो एक्सीडेंटल लगती है एनी हाउ अगर आप लोग देखो तो। तो एक बार देखते हैं भाई ये जुगाड़ हो पाएगा नहीं हो पाएगा यहाँ से, और हाइड्रोलिक्स यही वाले हैं, ये भी देखेंगे आपको, तो ये वाले हाइड्रोलिक्स एक बार लगेंगे एंड लेट्स सी, मतलब दिखाऊंगा आपको जब समझाऊंगा सारा कैसे होता है। कैसे हो सिद्धू जी, ऑल गुड? कौन सी नाटोकरी करा रहा है गाड़ी? स्पेशल कलर है भैया। अच्छा अमेरिका से, तो भाई वो स्पेशल कलर हो रहा है इसमें, अरे इसी कलर की रख लेना अच्छी लग रही है ना, इसी कलर में अच्छी लग रही है। तो भाई यहाँ पे देखो ऐसे कुछ होता है, हाँ इसे क्लियर मार दो। अभी पता है क्या हुआ, जैसे ना मैं मतलब अभी निकल ही रहा था यहाँ से, और भिवानी से निकल रहा हूँ मैं, मतलब ठीक है गुड़गांव की तरफ जा रहा हूँ, रियर वाइपर लगाना एक तो, और एक दो काम और हैं जो हमने करवाने हैं। ये सब छोड़ते हुआ क्या, ये वाला जो मेरा फास्ट टैग है ये पेटीएम का फास्ट टैग है, ठीक है? तो इसमें ना बैलेंस आई डोंट नो कम हो गया था, कि यूजुअली वो ऑटोफिल हो जाता है, अब की बार जो हुआ नहीं था सौदा पानी। अब हुआ ये कि वो ऑटोफिल नहीं हुआ था, उसकी वजह से जो है मतलब वहाँ पे लो बैलेंस दिखा दिया, लो बैलेंस दिखाने के बाद वो कहते हैं भाई ये देना पड़ेगा, और मैंने जैसे ये वाला फास्ट टैग मेरा एक लगा हुआ है, दो लगा रखे मैंने, ये जब आया था जब मेरी गाड़ी में नंबर नहीं आया था, तो उन्होंने फोन नंबर पे बना दिया था ये फास्ट टैग, मुझे नहीं पता लीगल होता है क्या होता है जो भी होता है, वो बना दिया। और मैं जैसे ये कर रहा ना, कह रहे अरे भाई तेरा को तो ऐसे बोले भाई तेरे को तो दिल से सलाम से करे, तो मैंने मतलब शर्म सी आ गई मेरे को, मतलब ये बोले कि बंदा दो दो फास्ट टैग लेके घूम रहा है, और ये भी नहीं अलग अलग गाड़ियों के, एक ही गाड़ी का जो है वो फास्ट टैग है। अच्छा यार इसमें ना एक बहुत ही सीरियस इशू आ रहा है अभी मारुति की, मतलब ब्रेजा में सब में ही, आई डोंट नो क्या कुछ है, बट इसके जो गियर है ना ये कट कट बोलते हैं, शिफ्टिंग में भी इशू आई फेस, और मेरे हिसाब से ये देखो ये मारुति के गियर हो ही नहीं सकते, मैं दिखाऊंगा इसको मारुति में। और रिवर्स गियर में तो बहुत ही ज्यादा इशू आता है, मतलब 2-3 बार जो है शिफ्ट करनी पड़ती है, तो आई डोंट नो मेरा मारुति से क्या नाता है या जो भी है। इसकी थर्ड सर्विसिंग होने वाली 10,000 किलोमीटर वाली, उस पे लेके चलेंगे मारुति के पास और बोलेंगे भाई ये क्या सिस्टम पानी कर रखा है आप लोगों ने, नई की नई गाड़ी में 10,000 किलोमीटर में गियर इशू क्यों आ रहा है। और केवल मैं ही नहीं, कितने ही न जाने मेरे पास कमेंट नीचे आ रखे मारुति ओनर्स के, स्पेशली दे फेस या फिर दे फील दैट गियर शिफ्टिंग इज हार्ड। देखो हरियाणा रोड इस वाले ने रोकी नहीं भाई, गलत बात है, ताई हाथ दे रही थी, बुजुर्ग है, आपको रोकनी चाहिए थी उनके लिए एंड गलत है। हाँ तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको गियर इश्यूज आ रहे हैं, मैं लेफ्ट गियर अभी आपको ना रिवर्स गियर करके दिखाऊंगा, लगेगा नहीं भाई। अभी मैंने सोचा था कि मैं गाड़ी धुलवाने जाऊंगा, बट जैसे ही गुड़गांव में एंटर कर रहा हूँ ना, मौसम आप लोग देखो मतलब अच्छा हो रहा है नो डाउट, बट देन फिर गाड़ी नहीं धुलवा पाऊंगा मैं, और लगभग लगा लो 2.5 घंटे में जो है हम लोग पहुँच गए यहाँ से, ठीक है।